Assalamu alaikum and hi to everyone. ये लें जनाब, आज हम पहला दिन काम पे हॉलीडेज के बाद, और आज पहले ही दिन हम इस गाड़ी पे काम पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दिन है हमारा काम पे जा रहे हैं, आई मीन हॉलीडेज के बाद। और जनाब बाहर जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहरहाल ये है कि मौसम ठीक है, आई मीन इतनी गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। हम जहाँ काम पे जाते हैं वो हमारे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर्स है, और हम सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे जो है हम निकलते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा लेट है क्योंकि आज पहला दिन था हॉलीडेज़ के बाद, तो थोड़ा सा हम लेट जा रहे हैं आज। क्योंकि रूटीन आप समझते हैं कि जब आप हॉलीडेज़ पे हो तो आपकी सोने की और सुबह उठने की रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़े से हम लेट हैं। आई थिंक सो नॉट मोर देन 15 मिनट्स, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम टाइम से पहुंचेंगे। तुसी भी कहते हो नहीं हो, इनू सवेरे सवेरे व्लॉग बनानी पै गई है, बंदा कोई अल्लाह का ना लेंदा है जी। तो बहाल एवे कि अल्लाह का शुक्र है, अलहमदुल्ला अल्लाह का नाम लैके घरों निकले हैं, तो अल्लाह जड़ा खैर खरीयत रखे, खैर खरीयत के नाल पहुंची इंशाल्लाह। एक्चुअली बस वो ये था कि मैंने देखा तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा आपसे सुबह का जो व्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलें मैं थोड़ी सी वीडियो बना के तो शेयर करूँ आपके साथ। अभी हम थोड़ी देर पहले निकले हैं घर से, और ये जो रोड जिस पे हम जा रहे हैं ये जो है ये अभी सिटी के अंदर है ये जो रोड है, और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम जो है वो हाईवे पे पहुंचेंगे और फिर वहाँ से हम जो है काम के लिए जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा दूर है, आई मीन कोई 25 किलोमीटर्स। अभी भी बाहर जो है थोड़ी हल्की सी बूंदाबांदी बारिश हो रही है। अभी हम बस और 2-3 मिनट में इंशाल्लाह हम हाईवे पे पहुंचेंगे और वहां से हम रूट लेंगे अपने काम के लिए। ये ले जी, अभी हम हैं यहाँ पे बर्मिंगम एयरपोर्ट के पास, और शायद आपको याद होगा कि मेरा जो सेकंड व्लॉग था वो मैंने इसी एयरपोर्ट के सामने वो सामने उधर मैंने बनाया था। ये लें जी, इस तरफ जो है ये एयरपोर्ट है जो कि अभी नज़र तो नहीं आ रहा, और आज हम पहली दफ़ा इस इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी एवरेज क्या है, और आई मीन हमें इसको जब हम काम पे जाएं हम इसको किस तरह आई मीन यूज़ करेंगे। आई मीन एक चार्ज में ये हम इजीली काम पे जा और आ सकते हैं, ये आज हम सब देखेंगे, और एवरेज देखेंगे, स्पीड लिमिट्स देखेंगे कि कितनी स्पीड में हमें जाना चाहिए कि हम इजीली जो है काम पे जाकर और वापस आ सकें एक चार्ज में। और ये लीजिए जी, हम साथ ही हाईवे पे हम पहुंच गए, और ये जस्ट हम हाईवे पे एंटर होने लगे।
आज छुट्टियों के बाद जो है आज ये पहला दिन है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो स्पेशली जो दूसरा ट्रैक है राइट साइड पे, तो वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल से, या हम थोड़ा सा लेट है शायद इसलिए। और आज जो है वैसे भी बादल हैं, बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा अंधेरा है। हालांकि पहले जब छुट्टियों से पहले जाते रहे हैं तो काफ़ी दिन जो है वो चढ़ चुका होता है, और इवन के जब बादल नहीं होते हैं तो सूरज वगैरह की शुआएं जो हैं आप सब वो भी इंजॉय करते हैं। और आज चूंकि बादल हैं और बारिश, और इसलिए लग रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा। अभी हम जो हैं वो 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से अभी हम जा रहे हैं। तो जो हमने अभी तक मैंने यानी कि असेस किया वो ये है कि अगर आप 60 पे जाते हैं तो एवरेज जो है आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, और अगर आप 50 पे जाएंगे तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ये है कि मिनिमम 60 तो होनी चाहिए, आई मीन 60 माइल्स पर आवर, तो उस हिसाब से जो किलोमीटर्स में है वो ज़्यादा बनते हैं। 60 माइल्स पर आवर जो है वो 100 किलोमीटर्स बनते हैं पर आवर, तो उस हिसाब से हाईवे पे ठीक है, ये नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। यानी कि अभी रोशनी थोड़ी सी अब ज़्यादा हो गई, लेकिन जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है उससे अभी यहाँ पे वैसे कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन वीडियो में आपको रोशनी ज़्यादा नज़र आ रही है। नॉर्मली जो दूसरी गाड़ी है वो डीज़ल है, और उसके साथ जो हम हाईवे पे इस वक्त स्पेशली जो है स्पीड कम रख के जाते हैं 55-60, इवन मोस्टली 55, तो ये है कि इसके साथ जो है अभी हम 60 पे हैं, तो ठीक है ये भी। लेकिन ये है कि अभी ये कंफर्म होगा जब हम वापस घर पहुंचेंगे, तो तब हम हमको एग्जैक्ट जो है इसका पता चलेगा कि हम क्या कितना इजीली यानी कि एक चार्ज में हम काम पे जाके और वापस आ सकते हैं, और उसके अलावा अगर बाकी दिन में कहीं आपने गाड़ी को यूज़ करना है तो उसको जाके फौरन घर पे वापसी पे फौरन चार्ज पे लगाना पड़ेगा, या कि मज़ीद अभी हम कुछ और इस्तेमाल कर सकें। ये हम आज जो है ये इसकी जो है एवरेज वो हम देखेंगे क्या है। अभी ये है कि गाड़ी के मतलब इसके जो फीचर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही है। अभी आज बारिश है, तो जब आप वाइपर जो है उसको आप वो ऑटो पे छोड़ देते हैं तो जब बारिश हो तो ही वाइपर जो है वो विंडस्क्रीन के लिए काम करते हैं, अदरवाइज़ काम नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्चुअली आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि गाड़ी चूँकि छोटी है बिल्कुल, तो अक्सर छोटी गाड़ियों में इस तरह के जो हैं वो फीचर्स नहीं होते हैं, तो लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस गाड़ी में भी ये वाला फीचर है, क्योंकि हमारी जो दूसरी गाड़ी है उसमें है तो इसमें भी है। जब गाड़ी जो है ये आप 50-60 की स्पीड पर जा रहे हों तो बैटरी नॉर्मल यानी कि यूज़ होती है, लेकिन अगर आप आहिस्ता जा रहे हैं, इनकेस हाईवे पे थोड़ा ट्रैफिक है और आप थोड़ा स्लो हैं, तो फिर यह है कि वो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट भी करती है। और इवन के अगर आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इसका एक फीचर ये भी है कि आपको जब आप स्पीड जब आप रेस जो है उसको छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो ब्रेक लगाती है, आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं।
लेकिन वो जो ब्रेक लगाती है गाड़ी उसमें ये है कि आपके जो ब्रेक्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होती, तो ये है कि ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। तो ये है कि अगर आप शहर के अंदर सिटी में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसका ये फ़ायदा है कि एक तो ये रीजनरेट करेगी और बैटरी जो है वो कम कंज्यूम करेगी और उससे जो है आप ज़्यादा जो माइलेज है वो आप कर सकते हैं। जी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं जहां पे हम काम करते हैं और अभी हम हाईवे से जो है एग्ज़िट होके तो उस सिटी में पहुंचे हैं जहां हम काम के लिए जा रहे हैं। अब यह है कि हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं तो इंशाल्लाह ये है कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको जब हम घर के लिए वापसी के लिए निकलेंगे काम से तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मज़ीद शेयर करूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन्स।